नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। आज है 29 सितंबर का दिन और 29 सितंबर के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल ही में किसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो हाल ही में जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है जनरल बिपिन रावत, यानी जो ऑप्शन बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ऑप्शन आप बी याद रखिएगा, जनरल बिपिन रावत। इससे पहले जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष थे वे थे वायुसेना प्रमुख BS धनुआ, परंतु इनका कार्यकाल जो है वो 30 सितंबर से समाप्त हो रहा है, तो इनके स्थान पे जो नए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं वो बनाए गए हैं जनरल बिपिन रावत। तो इसे भी आप याद रखिएगा, पिक्चर में आप देख रहे हैं ये हैं जनरल बिपिन रावत, ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। अब यह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में कौन कौन सम्मिलित होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इनके जो प्रमुख होते हैं, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख इस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में सम्मिलित होते हैं, तथा इन तीनों प्रमुखों में से सबसे जो वरिष्ठ होता है, आप याद रखिएगा, इन तीनों प्रमुखों में से, तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से सबसे जो वरिष्ठ होता है उसको बनाया जाता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष। तो इसे आप याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में इन तीनों सेनाओं के प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ हैं बिपिन रावत, तो इन्हीं को बनाया गया है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नया अध्यक्ष, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा प्रेजेंट टाइम में हमारे जो थल सेना के प्रमुख हैं वो हैं जनरल बिपिन रावत, उसके बाद वायुसेना के प्रमुख प्रेजेंट टाइम में BS धनुआ है, लेकिन इनका जो कार्यकाल है 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है, तो इनका कार्यकाल इनके समाप्त होने के बाद जो नए वायुसेना प्रमुख बनाए जा रहे हैं वो बनाए जा रहे हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा उसके बाद नौसेना प्रमुख हमारे हैं करमबीर सिंह, तो ये तीनों सेनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए इनके प्रमुखों के बारे में, इनसे डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला प्रश्न, यानी 29 सितंबर के करंट अफेयर्स के वीडियो का। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो पे कम से कम आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के बीच, अपने सहपाठियों के बीच शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को पाने के लिए। तो ये वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न कौन कौन से हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि आपको पता है, हाल ही में जो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बनने वाले हैं 30 सितंबर से इनका कार्यकाल स्टार्ट होने वाला है, इनका नाम है राकेश कुमार भदौरिया। तो राकेश कुमार भदौरिया थे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख, परंतु अब इनको नया प्रमुख भारतीय वायुसेना का बना दिया गया है, तो इनके स्थान पे जो नए उप प्रमुख बनाए गए हैं भारतीय वायुसेना के वे बनाए गए हैं HS अरोड़ा, यानी जो ऑप्शन बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं HS अरोड़ा, किसके स्थान पे? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया के स्थान पे, तो इसे याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं HS अरोड़ा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इससे पहले जो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख थे वो थे राकेश कुमार भदौरिया, परंतु राकेश कुमार भदौरिया भारतीय वायुसेना के हमारे नए प्रमुख बन गए हैं, तो अब इनके स्थान पे जो नया उप प्रमुख बनाया गया है वो बनाया गया है HS अरोड़ा को, तो इसे भी आप देखिएगा, पिक्चर में आप देख रहे हैं ये हैं HS अरोड़ा, ये बनाए गए हैं नए उप प्रमुख हमारे भारतीय वायुसेना के। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के मध्य काजिंद 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है वह कहाँ किया जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो भारत और जो कजाकिस्तान है इसके मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है काजिंद 2019, इसका जो आयोजन है यह किया जाएगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, यानी जो ऑप्शन है ए इसका बिल्कुल सही, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो भारत और कजाकिस्तान के मध्य काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसका आयोजन अक्टूबर मंथ में किया जाएगा, 3 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच, कब?
तो 3 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के मध्य यह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है काजिंद 2019, इसका आयोजन किया जाएगा भारत और कजाकिस्तान के मध्य। कहाँ? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इस अभ्यास का यह चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, यह जो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है यहीं पे भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन भी बनाया जा रहा है। जिसे भी आप याद रखिएगा, भारत का जो दूसरा ट्यूलिप गार्डन है यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ही बनाया जा रहा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भारत का जो पहला ट्यूलिप गार्डन है यह श्रीनगर में है। पहला जो ट्यूलिप गार्डन भारत का है वो है श्रीनगर में, और दूसरा जो भारत का ट्यूलिप गार्डन बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2019 के लिए जो मेजबान देश है वह किसे बनाया गया है? तो 2019 का हाल ही में आपको पता होगा विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है 27 सितंबर के दिन। तो आपको बताना है कि सॉरी 27 सितंबर के दिन हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। तो आपको बताना है कि इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस के लिए जो मेजबान देश है वह किसे बनाया गया है? तो इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस के लिए जो मेजबान देश है वह बनाया गया है हमारे प्यारे देश भारत को। यानी जो ऑप्शन सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, हमारे प्यारे देश भारत को विश्व पर्यटन दिवस के लिए मेजबान देश बनाया गया इस वर्ष का। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भारत को जो मेजबान देश है किसने चुना है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने, किसने? जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन WTO, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन WTO। क्या बोलते हैं इसको? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 2019 के विश्व पर्यटन दिवस के लिए जो मेजबान देश है वो हमारे प्यारे देश भारत को चुना है। यानी जो ऑप्शन सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। तथा इसके साथ यह पहली बार भारत में इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो विश्व पर्यटन दिवस के लिए जो कार्यक्रम है इस वर्ष हमारे प्यारे देश भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। कहाँ? तो नई दिल्ली में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तथा इस वर्ष जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है यह 27 सितंबर के दिन मनाया गया। तथा इस वर्ष का जो थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट था, थीम क्या है? तो पर्यटन व नौकरियाँ, सबके लिए बेहतर भविष्य। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तथा इस कार्यक्रम का जो आयोजन है हमारे प्यारे देश भारत में कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। कब से कब? तो इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 26 से लेके 28 सितंबर के बीच किया जा रहा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जो भारत को मेजबान देश चुना है किसने? यूनाइटेड नेशन जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UNWTO, यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत को इस वर्ष के लिए मेजबान देश चुना है विश्व पर्यटन दिवस के लिए। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यह जो है संगठन यूनाइटेड नेशन WTO, इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। कब? वर्ष 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। तथा इसका जो हेडक्वार्टर है वह स्पेन के मेड्रिड में है। कहाँ? तो स्पेन के मेड्रिड शहर में इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसे भी आप याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम इसके जो मेंबर हैं इतने टोटल 158 इसके मेंबर हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2017-18 किसने प्रदान किया है? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार हैं 2017 और 18 के लिए यह प्रदान किए गए हैं हमारे उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू के द्वारा। यानी जो ऑप्शन ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति हमारे M.वेंकैया नायडू ने 2017-18 के लिए यह राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार दिए हैं। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। तथा इस राष्ट्रीय जो पर्यटन पुरस्कार 2017-18 हैं, टोटल इसमें 76 पुरस्कार दिए गए हैं। कितने? तो टोटल 76 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसे भी आप याद रखिएगा। तथा कुछ जो प्रसिद्ध पुरस्कार किन किन राज्यों को मिले हैं ये उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2017-18 के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो मिले हैं, इनमें से आंध्र प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो आंध्र प्रदेश को पर्यटन के विस्तृत विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पर्यटन में ओवरऑल ग्रोथ के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद
गोवा और मध्य प्रदेश, तो इन दोनों राज्यों को साहसिक पर्यटन श्रेणी में संयुक्त विजेता घोषित किया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद उत्तराखंड राज्य को फिल्म निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है इस राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में। उसके बाद तेलंगाना राज्य को, तेलंगाना ने आईटी के नवोन्मेषी उपयोगी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। तो इनोवेशन के क्षेत्र में, आईटी के इनोवेशन के क्षेत्र में तेलंगाना राज्य को यह राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2017-18 दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा, इनसे आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तथा इस वर्ष के लिए मतलब 2017-18 के लिए जो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार है यह वितरित किया हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदू आर्थिक फोरम का जो आयोजन है यह कहाँ किया जा रहा है? तो जो विश्व हिंदू आर्थिक फोरम है इसका आयोजन इस वर्ष किया जा रहा है मुंबई में, यानी जो ऑप्शन बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक फोरम का आयोजन किया जा रहा है 27 से लेके 29 सितंबर के मध्य। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तथा इस इवेंट में हमारे जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति निर्माता, इंडस्ट्री लीडर्स और निवेशक हिस्सा ले रहे हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो विश्व हिंदू आर्थिक फोरम की जो इस वर्ष की थीम है वो है समाज को समृद्ध बनाना, क्या है? तो मेकिंग सोसाइटी प्रॉस्पेरस, जिसको हिंदी में कह सकते हैं आप, समाज को समृद्ध बनाना इस वर्ष की थीम है विश्व हिंदू आर्थिक फोरम की, तो इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तथा विश्व आर्थिक फोरम की जो स्थापना हिंदू यह की गई थी हमारे स्वामी विज्ञानानंद के द्वारा, किसके द्वारा? तो स्वामी विज्ञानानंद के द्वारा विश्व हिंदू आर्थिक फोरम की स्थापना की गई थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को पुरस्कृत किया गया, यानी किस भारतीय हवाई अड्डे को हाल ही में अवार्ड दिया गया है? तो हाल ही में जो हमारा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन जो इसका है सी हमारा बिल्कुल सही है, कोचिन हवाई अड्डा, इसको हाल ही में यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन जो इसका सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है किसके द्वारा? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जो यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं के मामले में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है वो बना है कोचिन हवाई अड्डा। तो इसको हाल ही में ACI यानी जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है उसने पुरस्कृत किया है। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। अब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल क्यों पुरस्कृत किया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यात्रियों की दी जाने वाली सेवाओं के मामले में काफ़ी सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है इसको, तो इसी कारण इसको पुरस्कृत किया गया है कोचिन हवाई अड्डे को, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत को विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो हाल ही में डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में हमारे प्यारे देश भारत को 44वां स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, 2019 के लिए इस रैंकिंग में हमारे प्यारे देश भारत को 44वां स्थान दिया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह जो रैंकिंग है IMD के द्वारा जारी की जाती है, किसके द्वारा? तो IMD के द्वारा जारी की गई इस रैंकिंग में भारत को 44वां स्थान दिया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आइए इस जो रैंकिंग हाल ही में जारी की गई विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, इसके बारे में और डिटेल में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे प्यारे देश भारत को इस रैंकिंग में, यह जो रैंकिंग है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा जारी की गई है, आप याद रखिएगा, IMD यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा यह विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2019 को जारी किया गया है। तथा इस रैंकिंग में हमारे प्यारे देश भारत को इस वर्ष यानी 2019 में 44वां स्थान दिया गया है, तथा पिछले साल यानी 2018 में भारत को 48वां स्थान दिया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा भारत को यह स्थान किस बेसिस पर दिया गया है? तो भारत ने सभी कारकों जैसे ज्ञान, प्रौद्योगिकी और भविष्य की तैयारी के मामले में बहुत ही अच्छा सुधार किया है, तो इसी कारण भारत को
इस वर्ष 44वीं रैंक दी गई है 2019 में, जो कि पिछले वर्ष थी इसकी रैंक 48वीं थी, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद आईएमडी की इस रैंकिंग में जो प्रथम नंबर पे देश है वो है अमेरिका। अमेरिका डिजिटल रूप से पूरे विश्व में सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है सिंगापुर, तीसरे नंबर पे स्वीडन है, चौथे नंबर पे डेनमार्क है और पांचवें नंबर पे स्विट्जरलैंड है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह जो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है 2019, इसको जारी किया है आईएमडी यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो इसे आप याद रखिएगा। भारत की रैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है तथा पहले नंबर पर कौन कंट्री है और दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। हाल ही में कहा कि मेट्रो रेल का नाम राजा भोज रखने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में जो मेट्रो है भोपाल मेट्रो, इसी के नाम को राजा भोज रखने की घोषणा की गई, यानी जो ऑप्शन बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कमलनाथ, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उन्होंने भोपाल मेट्रो का नाम राजा भोज रखने की घोषणा की, यानी जो ऑप्शन है बी इसका बिल्कुल सही है। भोपाल मेट्रो का नाम कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा भोपाल मेट्रो का नाम राजा भोज रखने की घोषणा की गई, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए जो राजा भोज थे ये 11वीं शताब्दी में परमार वंश के शासक थे। किस वंश के? तो राजा भोज जो थे परमार वंश के संस्थापक थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इन्हीं के नाम पे भोपाल मेट्रो का नाम रखे जाने की घोषणा की गई है, तो इसे आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में जो हैं मुख्यमंत्री वो हैं कमलनाथ, तथा मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन प्रेजेंट टाइम में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, क्या है? तो मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर जो स्वच्छता रैंकिंग में टॉप नंबर पे है, तो इसे भी आप याद रखिएगा लगातार 3 वर्षों से। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हाल ही में जो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन है इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये बनी है रूपा गुरुनाथन, यानी जो ऑप्शन ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। रूपा गुरुनाथन पहली भारतीय, मतलब पहली महिला बन गई है अध्यक्ष बनने वाली किसकी? तो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के, यानी जो ऑप्शन ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की जो पहली भारतीय, मतलब पहली महिला अध्यक्ष है वो बन गई है रूपा गुरुनाथन, तो पिक्चर में आप देख रहे हैं यह है रूपा गुरुनाथन। अब तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की ये बनी है, तो आइए बात कर लेते हैं हम कुछ तमिलनाडु के बारे में। आप पिक्चर में देख रहे हैं मैप में तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है प्रेजेंट टाइम में? तो चेन्नई, क्या है? चेन्नई प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु की कैपिटल है। तथा यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं वो हैं के पलानी स्वामी, कौन है? तो के पलानी स्वामी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तथा यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है वो हैं बनवारी लाल पुरोहित, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कल के क्विज की, तो कल का जो सवाल था आपके लिए, हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है? मतलब हाल ही में जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है इसको किसने प्रदान किया है 2019 के लिए? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, यानी जो ऑप्शन है इसका बी बिल्कुल सही था हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 2019 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए गए, कहाँ? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह जो पुरस्कार है विज्ञान व औद्योगिक अनुसंधान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CSIR, की 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिए जा रहे हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने भारत को हिल्सा मछली निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो हाल ही में जो बांग्लादेश देश है उसने भारत के जो ऊपर हिल्सा मछली निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था उसको पूरी तरह से हटा दिया है, यानी जो ऑप्शन है इसका ए बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आज के क्विज की, तो आज का सवाल आपके लिए हमारा है, हाल ही में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे दिया गया है? पहला प्रश्न आपके लिए है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया है? तो दो प्रश्न आपके लिए हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर हम आपको कल की वीडियो में देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।